और अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है सिटी के हिसाब से। अगर आप फैमिली मैन हो और आपको एक पावरफुल प्रोडक्ट चाहिए ना कि आप उसको अच्छी राइड ब्रीड कर सको, अच्छी पावरफुल बाइक चाहिए हो, तो उसके में दोनों आपको ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोन व्लॉग्स। सो अगेन टुडे वी हैव दिस हस्क्वर्ना स्वाटपिलियन 401। और देख सकते हो यार, ये एक रेट्रो मॉडर्न डिज़ाइन के साथ आती है बाइक, और सिंगल सीट मिलती है, मतलब स्प्लिट सीट है, फिर भी आपको सिंगल सीट वाला कम्फर्ट मिलेगा यहाँ पर। और पूरी इसमें आपको कलर डिस्प्ले मिल जाती है बढ़िया वाली एकदम। तो भाई ये है कुछ इसमें एग्जॉस्ट नोट। तो भाई आई एम द फर्स्ट वन जो इसको अभी राइड कर रहे हैं यहाँ पे इवेंट के बाद। तो देखते भाई ये पावर इज ज़बरदस्त है भाई, पावर तो भाई एक नंबर। मतलब हल्का सा एक्सेलरेशन, हल्का सा एक क्लच छोड़ती भाई, ये तो छूटने, मतलब ये कह रही है कि छोड़ दो बस, भागने दे मेरे को। ओ भाई ग्रेट पावर, भाई ग्रेट पावर है। तो ब्रेक्स भी काफ़ी बढ़िया है, जितनी अच्छी पावर है ना भाई उतने अच्छे इसके ब्रेक्स भी काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पावर दे दी और ब्रेक्स नहीं दिए। तो भाई यहाँ पे आपको दोनों का पूरा पूरा टच एंड फील पूरी मिलने वाली है, पावर ब्रेक एवरीथिंग आपको पे मिलने वाली है। सो कि काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को। मतलब ऐसा नहीं है कि इसे पावर, और देखो लो एंड भी अच्छा ही है, मतलब ठीक ठाक लो एंड दिया हुआ है। अभी सेकेंड गियर पर 23 की स्पीड में चल रही है, बढ़िया ही है। और सर्विस की इसमें वो आ गई है भाई, ये सर्विस मांग रही है, आई थिंक टेस्टेड वाली व्हीकल है तो इसमें कुछ कह नहीं सकते। और ये हमने साइड मिरर सेट कर लिए, अभी आगे से यू टर्न ले आएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। बस इसको है कि मेन चला के देखना है कि फील कैसे। देखो चलाने में अच्छी है राइड, आपकी जो मेन जो आपकी सिटिंग पोजीशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है आपकी, और आपको जब पावर चाहिए पावर देगी आपको, ठीक है। तो पावर में कोई भी कमी नहीं है यहाँ पे, पावर आपको जब चाहिए जैसे चाहिए तुरंत आपको एकदम, मतलब विद इन सेकेंड्स आपको एकदम हल्का सा एक्सेलरेशन करती पावर मिल जाएगी। आई थिंक ये भी अपनी राइड बाई वायर होगी, और अगर ये राइड बाई वायर है, आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं है, वो मैं कंफर्म कर दूंगा वीडियो में एक बार आपको। अगर ये राइड बाई वायर है तो यार बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छी पावर है। अब यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। पावर भाई बहुत बढ़िया डिलीवर कर रही है भाई, बहुत बढ़िया पावर डिलीवर कर रही है। हॉर्न आपको मिल जाएगा, सिंगल हॉर्न मिल जाता है, ठीक है, सिंगल सा हॉर्न। तो फिर से बंद हो गई क्योंकि भाई हल्का सा भी क्लच छोड़ते ही ये भाग रही है, इसको बहुत ज़्यादा क्लच छोड़ने की ज़रूरत है नहीं, थोड़ा सा रोड खाली होता है फिर निकाल के देखते हैं। और मैन्यूवर करने में भाई सिटी के अंदर मैन्यूवर करने में बहुत ईजी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट वेट है भाई, बहुत लाइट वेट है। अगर आपको लाइट वेट मशीन पसंद है तो आप इसको जा सकते हो। अच्छा भाई अच्छी खासी पावर। बढ़िया पावर है भाई, बढ़िया पावर है। मतलब जो ये 393 सीसी का इंजन आता है, ये बढ़िया पावर जनरेट कर रहा है, बढ़िया पावर है भाई, बहुत बढ़िया पावर है, बहुत बढ़िया भाई, क्या ही कहने, मज़ा आ गया भाई, स्वाद आ गया। और इसको रच के पहले गियर में रेस दे, देख रहे भाई इतने को ज़्यादा जल्दी ऑटो वालों को, अगर इसमें रच के पहले गियर में रेस दे दी ना तो भाई आगे से उड़ जाएगी, बड़ी प्यार से उड़ जाएगी आगे से। और अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है सिटी के हिसाब से। अगर आप फैमिली मैन हो और आपको एक पावरफुल प्रोडक्ट चाहिए ना कि आप उसको अच्छी राइड ब्रीड कर सको, अच्छी पावरफुल बाइक चाहिए हो, तो उसके में दोनों आपको ये, मतलब इसमें दोनों चीज़ आपको मिल रही है साथ में। एक तो कम्फर्ट मिल रहा है और ऊपर से पावर भी बहुत बहुत बढ़िया पावर मिलेगी भाई, एक नंबर पावर है भाई बाइक के अंदर, मतलब मज़ा आ गया। थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, बस ये है कि 400 सीसी का इंजन है तो थोड़ा सा सिटी के अंदर ट्रैफिक में आपको थोड़ा सा हीटिंग का शिकायत आपको रहेगी, क्योंकि भाई जब ये रेडिएटर का चलेगा ना तो अच्छी खासी हीट आपके पैरों पे फेंक के मारेगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी बस, बाकी और तो मुझे लगता नहीं इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम है इस मशीन के अंदर, बढ़िया मशीन है, ठीक है। हैज़ार्ड भी यहाँ पर दे ही दिया,
और बाकी बिल्कुल यार ये ना उसके लिए है बाइक, मैं सही बताऊँ आपको, जो बंदा फैमिली वाला बंदा है जिसको फैमिली में भी बाइक चल रहा है, अपने मतलब फैमिली के साथ भी जाना होता है बाइक पे, प्लस आपको एक राइड करना पसंद है, ठीक है, तो भाई ये परफेक्ट है, एक्चुअली बहुत ही परफेक्ट एक प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें भाई एक तो कंफर्ट में बंदा रहेगा, जो पीछे बैठेगा आपका पिलियन वो भी कंफर्ट में रहेगा, साथ ही साथ राइडर भी कंफर्ट में रहेगा, तो बढ़िया रहेगा एकदम। बस का स्टैंड की पोजीशन थोड़ी सी मुझे ऑड लगी, लेकिन ठीक है, बाकी ये बढ़िया सा टैंक है, 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, यहाँ पे मेटलिक का पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपना माउंट मतलब टैंक पैड वगैरह जो होता है ना, टैंक बैग वगैरह आप यहाँ रख सकते हो, बढ़िया है। बाकी की क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी बढ़िया दे रखी है यहाँ पे, भाई देख लो, बाकी इसका रेडिएटर अभी भी ऑन है, अब बंद हुआ है इसका रेडिएटर, तो रेडिएटर भी ऑन हो गया था, क्योंकि भाई देख लो सिटी में तो है ही ना, तो वो वाला पंगा। बाकी अच्छी बाइक है भाई, पावरफुल बाइक है, एक 400 cc में बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। बाकी अगर आपको ये बाइक करनी है तो आप आ सकते हो KTM ओखला, वहाँ पे आके अपनी डील को कर सकते हो फाइनलाइज़। बाकी मिलते हैं आपसे एक और अगली अच्छी प्यारी सी वीडियो में, जब तक के लिए साइनिंग ऑफ विद दी 401 स्मार्ट पवेलियन हस्क्वर्ना, बाय बाय।